एटीएम कार्ड जाम कर पुलिस आरक्षक से 50,000 की ठगी करने के मामले में पुलिस ने पलामू झारखंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्लू का इस्तेमाल कर एटीएम मशीन में कार्ड जाम कर ठगी करते थे। 30 नवंबर को दरिमा थाने में पदस्थ आरक्षक अमित कुजूर के साथ इसी तरह की घटना घटी, जिसके बाद आरक्षक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि आरोपी एटीएम कार्ड फंसाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करते थे, जिससे एटीएम धारक का एटीएम कार्ड मशीन में ही फंस जाता था, जिसे निकालने और सहायता करने के नाम पर आरोपी उसे ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 36,000 रुपये नकद, 7 एटीएम कार्ड और घटना में इस्तेमाल एक कार जब्त की है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। साइबर फ्रॉड के एक दूसरे मामले में, जिसमें एक पुलिस आरक्षक के साथ 50,000 रुपए का ठगी हुआ था, जिसमें मोडस ऑपरेंडी ये गैंग जो है एटीएम में कुछ ग्लू इस तरह का इस्तेमाल करके कार्ड को जाम कर देता है और उसके बाद में सहायक के रूप में वहाँ पे उपस्थित होके एक टोल फ्री नंबर देता है। टोल फ्री नंबर इनके अपने कॉल पे डाइवर्ट होता है और इसी तरह से उसका एटीएम पिन और इत्यादि डिटेल्स जो है ग्राहक के लेने के बाद में उसके कार्ड से बची हुई राशि को आहरण करता है।